जी वर्मा जी, नहीं नहीं वर्मा जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ये पता करना था कि वो एरिया किसके अंडर में आता है। जी कौन? अच्छा, उनका पर्सनल नंबर दे सकते हैं आप? जी जी, मैं होल्ड ऑन करता हूँ। जी आज तक जिंदगी में हमने किसी का एहसान नहीं किया, किसी की सिफारिश नहीं करी। आज ये जो पुलिस ऑफिसर है हमारा एक काम करेगा, हमें उसके बदले में उसके चार काम करने पड़ेंगे। हम इस लेन देन के झंझट से हमेशा दूर रहे हैं, लेकिन आज आपके लल्ला ने हमें मजबूर कर दिया है। हम अपने आदर्शों, अपने नियमों का गला अपने हाथों से खोल दें, और ये अंत नहीं है। न जाने हमें और कितना मजबूर होना पड़ेगा। मोहल्ले की हरकतों से रोकने के लिए हमने उसे कॉलेज भेजा, पर खुदा पहले ही दिन कॉलेज में इतनी बड़े कांड में पड़ गए। अरे तुम पहले हमारे लल्ला को घर लेकर आओ, फिर कर लेना अपने मन की, डांट लेना उसे जितना चाहो, पहले लाओ तो सही घर। अम्मा इसे डांटना नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना कहते हैं। जी जी आप, हेलो, हाँ जी वर्मा जी, मैं लिखता हूँ। SP DM त्यागी जी, नंबर बताएंगे? जी जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वर्मा जी। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उस एरिया के SP DM त्यागी हैं। जानते हैं, मैं नंबर डायल करके देता हूँ आपको। लीजिए सर। नमस्कार त्यागी जी, हम त्रियोगी नारायण वाजपेयी बोल रहे हैं, सीनियर एडवोकेट। पहचाना आपने? जी जी जी, आपसे एक काम था। दीदी अमीर भाई आपने रूम में भी नहीं दिखाई दे रहे, मैं समझ नहीं आता अमीर का पता हम कैसे लगाए। शादाब और गौरव भी अभी तक नहीं लौटे। अगर हमें बचाने के चक्कर में नहीं पड़ते ना, तो वो भी अंकुर भैया की तरह भी घर में होते। नहीं बेटे, अभी औरों की तरह नहीं है। वो सबसे अलग है। पर्स लाने भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम इनको गणेशगंज लेके जाओ, हम तुम्हारा पर्स लेकर वहां पहुंच। प्लीज वो जरूरी, रुक, वो जरूरी नहीं जाओ, हम तुम्हारा पर्स वहीं लेकर आते, लेके जाइए। जरूरी नहीं अभी, हम लेकर आते, लेके जाइए। नहीं जाएगा अभी, जाओ ना। पर्स लाने भेजा हमने उसे, इतनी बड़ी बेवकूफी हम कैसे कर सकते। क्यों जिद करके उसे नहीं रोका? नहीं दीदी, अमीर भैया को कुछ नहीं होगा, वो वापस आते होंगे। हमारी गलती है बेटा, ऐसा नहीं करना।